यूक्रेन ने रूस पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जो एटॉमिक बम के बाद दूसरा सबसे खतरनाक बम माना जाता है। इस बम में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हाई प्रेशर वाले विस्फोट से भरे होते हैं, जो आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन खींचकर तबाही मचाते हैं। यह बम 300 मीटर तक अपना असर दिखाता है, जो कम ताकत वाले एटम बम के बराबर है। बस फर्क यह है कि इस बम से रेडिएशन का खतरा नहीं होता, इसलिए इसे फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। इस तरह के हथियार को थर्मोबैरिक वेपन कहते हैं, जो दुनिया में सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम है, जिसका इस्तेमाल सीरिया और अफगानिस्तान पर हो चुका है। और ठीक ऐसा बम अमेरिका के पास भी है, जिसे मदर ऑफ ऑल बम कहते हैं।